बीबीगंज थाना क्षेत्र के ताल लिखिया गांव के सिवान पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की शव मिली। युवक के गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान भी मिला है। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सर्वजीत चौहान पुत्र लालमन निवासी ताल लिखिया थाना पीपीगंज के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि किसी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक सर्वजीत चौहान राजमिस्त्री का कार्य करता था। मंगलवार की देर शाम 8 बजे वह घर से निकला था। बुधवार की सुबह 6 बजे गांव के बाहर सिवान पर उसकी लाश मिली। बताया जा रहा है कि वह शराब का सेवन भी करता था। इस संबंध में SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, सर्वजीत सना फलाना के रूप में जब पहचान हुई है, इस विषय में पूरी तरह मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि उसकी गला काट के हत्या की गई है। शार्प वेपन के जो घाव हैं उस पर, और वास्तव में जो मृत का कारण क्या रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। सर, ये क्या करता था कुछ पता लग पाया? राजमिस्त्री का काम करता था, ये पता लगा हुआ है।